नमस्कार दोस्तों, आपने जो है आलू की कटोरी चाट बहुत खाई होगी बनाकर या मार्केट में। आज मैं आपको उसी तरीके से आलू का पिज्जा बनाना बताऊंगी, जो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी वर्जन होता है, जहां पर हम कोई भी मैदा का यूज नहीं करेंगे और ये बहुत ही अच्छा लगता है बारिश के मौसम में। आप जरूर एक बार बनाइएगा और बताइएगा मुझे कैसा बना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आलू पिज्जा बनाना। ये देखिए, इसको इस तरीके से मैंने आलू को कद्दूकस कर लिया है और इसे हम अच्छे से 2 से 3 बार वॉश कर लेंगे। जब तक वॉश करेंगे, जब तक कि इसका पानी हमारा बिल्कुल क्लीन ना हो जाए, इसमें आलू में से सारा स्टार्च बाहर ना निकल जाए। अभी थोड़ा सा क्लीन हुआ है, मैं इसको एक बार और वॉश करूंगी तो हमारा जो आलू का बिल्कुल ही स्टार्च निकल जाएगा। ये मेथड हमने ऐसे करना है, जैसे हम आलू कटोरी बनाते हैं वैसे ही बिल्कुल इसको सेम प्रोसेस करना है। तो ये देखिए, हमारा पानी बिल्कुल क्लीन हो गया है, आलू का सारा स्टार्च निकल गया। अब इसको हम ऐसे ही रहने देंगे जब तक हम अपने आगे का तैयारी कर लेते हैं। देखिए, ये आलू को मैंने अच्छे से निचोड़ लिया जो हमने घिया कस करा था। अब इसमें मैं लगभग 2 to 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर मिला रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो यहाँ आप थोड़ा सा मैदा या बेसन भी मिक्स कर सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक। नमक हम ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम यहाँ पर आलू का पिज्जा बना रहे हैं, तो पिज्जा सॉस में भी होगा और जो हम ऊपर चीज लगाएंगे उसमें भी नमक होता है, तो कम नमक डालेंगे इसमें। अब इसमें हल्का सा मैं चिली फ्लेक्स भी डाल रही हूँ। ये सब ऑप्शनल है, अगर चिली फ्लेक्स आपके पास नहीं है तो आप सिंपल मिर्च डाल सकते हैं या बिल्कुल सादा ऐसे भी बना सकते हैं। थोड़ा सा सीजनिंग डाल रहे हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप यहाँ पर चाट मसाला या काली मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए, अभी हमारा आलू का मिक्स बिल्कुल रेडी हो गया है। तो यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया है, इसमें हम हल्का सा ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ऑयल डाल रही हूँ। लगभग 2 टेबल स्पून मैं यहाँ ऑयल डालूंगी क्योंकि हम ये आलू से बना रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा ऑयल हम ज्यादा रखेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा ये क्रिस्पी। उसको हम चारों ओर फैला लेते हैं अपने इसमें। अब ये जो आलू हमने किया था उसे हम इसमें फैला लेंगे। यहाँ पे जरूर ध्यान रखें, जो आप बेस तैयार कर रहे हैं उसको जो है आप मोटा रखें, बिल्कुल पतला नहीं करें क्योंकि आलू सिकने के बाद वैसे ही पतला हो जाएगा। ये देखिए, अभी से हम अच्छे से शेप दे देते हैं गोल शेप। यहाँ पर जो आलू है, मैंने 4 बड़े साइज के आलू लिए थे। आपको जितना पिज्जा बनाना हो इस हिसाब से आप आलू ले लें। देखिए, अब ये हो गया। अब हम इसे लगभग लो टू मीडियम फ्लेम में 5 मिनट के लिए ऐसे सिकने देंगे हल्के से। और अब हम ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इसको अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा और हम इसे 5 मिनट रखेंगे तब हमारा ये तैयार हो जाएगा पिज्जा बेस। ये देखिए, हमारा नीचे से बहुत ही बढ़िया हो गया है पिज्जा का। अब हम इसे धीरे से पलट लेंगे इस तरीके से। अब गैस के फ्लेम को या तो हम अभी एकदम लो फ्लेम कर देंगे। यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ पर पिज्जा सॉस लगा रही हूँ इसमें। यहाँ अगर आपके पास पिज्जा सॉस नहीं हो तो आप नॉर्मल सॉस भी लगा सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पर थोड़ा सा मैं चीज डालूंगी। अब यहाँ पर मैंने मिक्स वेजेस लिया है, जिसमें मैंने प्याज, थोड़ी सी गाजर, कॉर्न, शिमला मिर्च, टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्च ली है क्योंकि हम आलू का पिज्जा बना रहे हैं तो इसमें हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने हरी मिर्च डाला है। अब हम अपना वेजिटेबल्स इसमें लगा लेते हैं। वेजेस जो है वो अपने अनुसार आप इसमें कम या ज्यादा, जितना आप ज्यादा लगाना चाहते हैं तो ज्यादा लगा लें। अब मैं इसमें हल्का सा सॉल्ट डालूंगी ताकि जो इसमें वेजेस लगाए वो फीकी फीकी ना लगे, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें नमक डाल रही हूँ, चिली फ्लेक्स डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा थोड़ा ऑरेगनो डाल रही हूँ। अभी मैं यहाँ बहुत थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, हम इसको फिर चीज के ऊपर डालेंगे। अब यहाँ मैं बहुत सारा चीज डालूंगी। ये मैंने यहाँ पर मोजरेला चीज यूज किया, जो हम पिज्जा में यूज करते हैं, वही चीज आप यूज करें तो बेटर है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो जो भी चीज आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें डाल के इसे बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब यहाँ पर हल्का सा मैं तवा में चारों ओर बटर डालूंगी। अब यहाँ पर हम ऑयल का यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर मैं बटर डाल रही हूँ। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल हो तो आप वो डाल दें तो और अच्छा लगेगा इसमें। अब इसे ढक के हम मीडियम फ्लेम में बेक होने देंगे।
जब तक कि हमारा चीज अच्छे से मेल्ट नहीं होता और नीचे से हमारा क्रिस्पी नहीं हो जाए। तो ये देखिए हमारा आलू पिज्जा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो हमारा इसी तवे में रह गया है और अब मैं इसे काट के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए क्या चीजी बना है हमारा पिज्जा। यहाँ पर मेरा थोड़ा आलू का परत जो है पतला हो गया है। आप ध्यान रखिए कि जो परत लगाई थी उससे भी थोड़ा मोटा परत लगाएं तो आपका बेस जो है थोड़ा और मोटा बनकर आएगा। तो एक बार आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए और बताइए कि आपका आलू पिज्जा कैसा बनकर रेडी हुआ। तो अगर आपको मेरी ये आलू पिज्जा की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आपका पिज्जा कैसे बनकर रेडी हुआ है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। आज मैंने आपको आलू पिज्जा बनाना बताया है। ऐसे ही मैंने आपको कुछ दिन पहले ओट्स पिज्जा बनाना बताया था जो बहुत ही हेल्दी था और झटपट बनकर रेडी होता था, तो उसकी वीडियो भी मैं लेफ्ट साइड में दी हुई है, आप वहाँ क्लिक कीजिए तो आपको वीडियो भी वहाँ मिल जाएगी। थैंक यू।